Asia. Good morning friends, this is Deepak Chauhan. दोस्तों आज मैं बातचीत का एक ऐसा वर्ड्स लेके आया हूँ जो मोस्टली स्पीकिंग में बहुत यूज किया जाता है और बहुत काम का वर्ड्स है दोस्तों. तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, उसकी एक एक बात को लिखें, समझें. उसके बाद आपको अगर डाउट होता है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका जवाब दूंगा. तो दोस्तों बातचीत करते करते हम लोग अधिकतर कहते हैं कि कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बेकार है, बेमतलब है, इस प्रकार की हम लोग बातें करते हैं. तो ये वाला वर्ड्स बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे और उसकी बनावट क्या होगी, ये सारी बातें मैं आपको समझाने वाला हूं दोस्तों. दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए. दोस्तों मैं भी कुछ दिनों से बहुत नए नए टॉपिक लेके आ रहा हूं जो टॉपिक आपको यूट्यूब में भी ढूंढने पर नहीं मिलेंगे. इस प्रकार के टॉपिक मैं सर्च करके ले आ रहा हूं दोस्तों, इसलिए आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और एक एक बात पर ध्यान दीजिए. चालू करते हैं. तो वर्ड्स लिखा हुआ है इट इज नो यूज, इट इज नो यूज, इट्स नो यूज को हम लोग कहेंगे बेकार है, कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ऐसे हम लोग बनाएंगे. और इसकी सेंटेंस बनावट क्या होगी देखते हैं. पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क. कई बार आपने सुना होगा इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क. दूध गिर गया है, फैल गया है, तो ऐसे दूध पर रोने से कोई फायदा नहीं है. ये इसका ट्रांसलेशन है, लेकिन हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं अब पछताने से कोई फायदा नहीं है. अब पछताने से कोई फायदा नहीं है जब चिड़िया चुग गई खेत, जिसका शाब्दिक अनुवाद क्या निकल रहा है, कोई मतलब नहीं रोने से. अब जो दूध गिर गया गिर गया. इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क. तो इट्स नो यूज के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो आपको डायरेक्ट आईएनजी लगाना है. वर्ब में आईएनजी ऑफ भी नहीं आएगा. इट इज नो यूज ऑफ ऐसा नहीं बोलना है, डायरेक्ट बोलना है. या ध्यान देंगे समझते हैं आगे. इट्स नो यूज वी विल नेवर रीच देयर ऑन टाइम. इट्स नो यूज वी विल नेवर रीच देयर ऑन टाइम. कोई फायदा नहीं है, हम कभी समय पर नहीं पहुंचेंगे. हम वहां कभी समय पर नहीं पहुंचेंगे, वहां पर आना चाहिए. कोई फायदा नहीं है, हम कभी वहां समय पर नहीं पहुंचेंगे. वहां वहां आना चाहिए दोस्तों. यहां पर वहां एलिजिबल. ओके आगे. योर एडवाइस विल टर्न आउट टू बी नो यूज. एक अलग यूज. योर एडवाइस विल टर्न आउट टू बी नो यूज. आपकी सलाह बेकार साबित होगी. आपकी जो सलाह है वो बेकार साबित होगी, इससे ज्यादा सलाह ना दें. योर एडवाइस विल टर्न आउट टू बी नो यूज. Your practice will turn out to be no use. आपका जो अभ्यास है वो बेकार साबित होगा, इसी अभ्यास बंद कर दीजिए. Your performance will turn out to be no use. आपका जो प्रदर्शन है वो बेकार साबित होगा, इसी प्रदर्शन ऐसा ना करें. इस प्रकार की बातें कर सकते हैं. Yes. There is no use arguing anymore. There is no use arguing anymore. और ज्यादा बहस करने का कोई फायदा नहीं है. और ज्यादा बहस करने का कोई फायदा नहीं, यहां से चले जाओ. फालतू और कुछ बात बिगड़ जाएगी तो कुछ का कुछ हो जाएगा. या देखिए नो यूज के बाद अगर वर्ब आ रहा है तो वर्ब में आईएनजी लगाना है, बता चुका हूं. आगे बढ़ते हैं. आई ट्राई टू स्टॉप अ क्वारल. मैंने झगड़ा रोकने की कोशिश की. आई ट्राई टू स्टॉप ए क्वारल बट इट वॉज नो यूज. कोई फायदा नहीं रहा. मैंने झगड़ा रोकने की कोशिश की पर बेकार रहा. आई ट्राई टू स्टॉप ए क्वारल बट इट वॉज नो यूज. कोई फायदा नहीं रहा. आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश बट इट वॉज नो यूज. पर कोई फायदा नहीं रहा. उसके बाद मुझे YouTube में एक चैनल मिला. अब कौन सा चैनल आप समझ जाना. उसके बाद मेरा इंप्रूवमेंट होने लगा. यस दोस्तों और भी चैनल है, मैं तो जस्ट मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत लीजिएगा. आप और भी चैनल देखते रहा करें. जहां जहां हमें फायदा मिलता है सारे चैनल देखना चाहिए. जहां हमें काम की बातें मिलती है, चाहे मेरा चैनल हो चाहे कोई भी और चैनल हो, हर चैनल में काम की बातें हैं, वो आपको देखना चाहिए. या मार्केट बहुत खुला है. यस आगे बढ़ते हैं. देर इज नो यूज टेलिंग हिम बिकॉज ही इज डेफ. देर इज नो यूज टेलिंग हिम. उसको बताने का कोई फायदा नहीं है. He is deaf.
उसे बताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो बहरा है। क्या मतलब यार, बहरे आदमी को जब से बताया जा रहा है कोई फायदा नहीं है बताने से, वो बहरा है मत बताओ। इट इज ऑफ, देखो दोस्तों इस बार मैंने ऑफ पहले लगाया है, मैंने ऑफ अगर पहले लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। इट इज ऑफ नो यूज टू आर्ग्यू, ये भी कह सकते हैं। दूसरा तरीका, इट इज नो यूज आर्ग्यूइंग, ये वाला ऊपर वाला तरीका है। देखो इट इज नो यूज आर्ग्यूइंग, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं इट इज नो यूज आर्ग्यूइंग, ऑफ लगाएंगे तो ऐसा बनेगा। यहां पर टू आर्ग्यू भी कर सकते हैं, या बहस करने का कोई फायदा नहीं है, बहस करने का कोई मतलब नहीं है, बहस करना बेकार है भैया, चलो बेकार है, बात निकल जाएगी, आगे बढ़ते हैं, बहस करने का कोई फायदा नहीं है। द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन पहले से जा चुकी है, द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट, सो इट इज नो यूज स्टेइंग हियर, द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट सो इट इज नो यूज स्टेइंग हियर, ट्रेन पहले से जा चुकी है, ट्रेन पहले से जा चुकी है तो यहां रुकने का कोई फायदा नहीं है, अब क्या मतलब, चलो चलते हैं, ट्रेन तो जा चुकी है अब। That's all, दोस्तों बहुत ही अच्छा टॉपिक था। स्पीकिंग में जनरली ऐसे सेंटेंसेस बनाने की जरूरत पड़ती है, ऐसे वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको समझिए, उसके बाद अगर आपको डाउट होता है तो मैं हूं, आप कमेंट बॉक्स में लिखें उसका क्वेश्चन करें और अपने डाउट पूछते रहा करें। या तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज का जो वीडियो है बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार रहा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और चैनल में अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ और आपके डाउट्स के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।